बताएं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पाकिस्तान ग्लोबल चैलेंजेस पर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहां पर साबिक सफीर पाकिस्तान शहरयार मोहम्मद खान और बैरून शाइजा शहान समेत डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स ने शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान चौधरी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में यूके पाकिस्तान साइंस एंड इनोवेशन ग्लोबल नेटवर्किंग के जेर एहतमाम ब्रिटिश पाकिस्तानी फाउंडेशन के तआवुन से पाकिस्तान को दरपेश ग्लोबल चैलेंजेस का बेहतरीन हल तलाश करने के हवाले से इन्वायरमेंट इकोनॉमिस्ट समेत माहरीन और प्रोफेशनल्स की मीटिंग हुई। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारिजा लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शहरयार मोहम्मद खान का कहना था कि पाकिस्तान को दरपेश मालियाती मसाइल के हल के लिए ऐसी मीटिंग्स और प्रोग्राम्स का इनेकाद पाकिस्तान में भी होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम को पाकिस्तान में सही तौर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो वहां जब एहसास होगा कि इस प्रोग्राम के क्या क्या टारगेट्स हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा। डॉक्टर खालिद महमूद ब्रिटिश पाकिस्तानी फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव, जारा शाह, डॉक्टर वहीद अफजल, डॉक्टर मोहम्मद सफान अख्तर, डॉक्टर फैजान अहमद, ईसीएल पाकिस्तान सोसाइटी की नौ मुंतखब प्रेसिडेंट मुख्तारा, प्रोफेसर शहराज अहमद, टीना बारजबी और मार्केटिंग मैनेजर इरम अहमद समेत दीगर का कहना था कि पाकिस्तान तरक्की के नए सफर पर निकल पड़ा है। एक्साइटिंग इवेंट है ये, यहाँ यूके में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी ओरिजिन के एकेडेमिक्स हैं और ये अपसाइन के नेटवर्क में उनकी पहली मीटिंग थी और जो हाफ डे मीटिंग्स गुजरी हैं इसमें हमने पाकिस्तान के डिफरेंट ग्लोबल चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं। तब्दीली तो पाकिस्तान में आना शुरू हो गई है तालीम के शोबे में, बट हमें एक ऐसा एफर्ट करना है जिससे ये नंबर और ज्यादा बढ़ सके। हम इस नए पाकिस्तान में ये देखना चाहेंगे कि हमारी जो नई आने वाली गवर्नमेंट है वो किस तरह अपनी बजट एलोकेशंस में इन चैलेंजेस को सामने रखती है और जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी है उससे किस तरह एंगेज करती है। इसका मकसद ये है कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी और पाकिस्तानी एकेडेमिक्स हैं उनका एक फोरम बन सके ताकि वो आपस में आके मिल सकें, एक दूसरे को पीयर टू पीयर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, नेटवर्क कर सकें और अपने रिसर्च आइडियाज एक्सचेंज कर सकें। आई वॉन्ट टू थैंक डॉक्टर खालिद एंड डॉक्टर डॉर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। इट्स बीन अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। वी हैड सम ग्रेट प्रेजेंटेशंस ऑन education, agriculture and bringing in more women in education and leadership. जो ये networking होती है उसकी बड़ी बड़ी value होती है, scientific value होती है, technically value होती है। वो the point is कि we are coming from different disciplines और to come together to focus on a particular set of challenges. Excited to listen about the talk on malnutrition in Pakistan because I feel like there's a lot of children in Pakistan who are starving and don't have enough food. And I think it's really important that we try and feed children because at the end of the day they're going to end up being. हमने ये नेटवर्क इसलिए तरतीब दिया ताकि जो पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं वो किस तरह पाकिस्तान के लिए यहाँ यूके में बैठकर हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड गैदरिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, सो फ्रॉम एग्रीकल्चर, फ्रॉम सोशियोलॉजी, फ्रॉम वाटर यूज, फ्रॉम एनर्जी, ऑल थिंकिंग अबाउट हाउ दे कैन हेल्प मूव फॉरवर्ड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। हम कोई भी अप्लाई करते थे फंडिंग के लिए तो नेटवर्किंग इवेंट्स में आई ऑलवेज सी दैट दे आर वेरी लीस्ट नंबर ऑफ पाकिस्तानीज। तो जैसे मैंने इस फोरम के बारे में सुना, मैंने फोरम रजिस्टर किया और इधर आके देखा कि तमाम लोग अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ कामों में वर्क कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। दयारे गैर में रहकर बैनुल अक्वामी सतह पर मुख्तलिफ शोबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात का एक फोरम पर मिलकर वतन अजीज की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए कदम बढ़ाना काबिले दीद है। इमरान चौधरी, UK 44, लंदन।